नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लखनी देवी मंदिर दिखाने वाले हैं। लखनी देवी मंदिर रतनपुर में स्थित है। रतनपुर से कोटा जाने वाले मुख्य मार्ग पर पहाड़ों के ऊपर लखनी देवी मंदिर स्थित है। चलिए आप लोग को वहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। वो दूर पहाड़ों में दिखाई दे रहा है हनुमान जी, वहीं ऊपर में जाना है हम लोगों को। चलिए चलते हैं वहां पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो पे। मैं आ गया हूँ माँ लखनी मंदिर रतनपुर में। चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। माँ लखनी मंदिर पहाड़ों के ऊपर में, लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर हम लोग को जाना है। मुख्य मंदिर जाने से पहले यहाँ पे है लखनेश्वर महादेव मंदिर रतनपुर। चलिए पहले इस मंदिर का दर्शन करते हैं, फिर बाकी मंदिरों का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये है लखनेश्वर महादेव मंदिर। चलिए ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे विराजमान है शिव जी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ नीचे में बढ़िया पेड़ पौधे हरे हरे दिख रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। ये देखिए सामने सीढ़ी दिखाई दे रहा है, यहाँ से होते हुए हमें पहाड़ों के ऊपर जाना है। यहाँ देखिए 249 सीढ़ी है, 259। चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों, लखनी मंदिर पहाड़ों के ऊपर स्थित है। लगभग 259 सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग को ऊपर जाना है मंदिर में। चलिए ऊपर चलते हैं और आप लोग को दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए, बहुत गर्मी है दोस्तों, थक चुका हूँ यार पूरा आज मैं तो। इसलिए नहीं थका हूँ कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, बल्कि इसलिए थक गया हूँ, रतनपुर का मैं लगभग 3 मंदिर आज कवर कर चुका हूँ। यह चौथा मंदिर है और गर्मी इतना ज़्यादा है बाहर में ना कि थकावट ज़्यादा लग रही है। चलिए, लगभग अभी 150 सीढ़ी और बची हुई है, जल्दी चढ़ते हैं और दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। चलिए, मंदिर के पास पहुंच गए हम लोग, कुछ ही कदम के दूरी पर है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, कृपया नगद राशि दान पेटी में ही डालिए। यहाँ पर देखिए, ये पूरा मंदिर कैंपस है, बहुत सुंदर है, पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है इसे। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर विराजमान है माँ लखनी देवी।
ये देखिए यहाँ पर भी कुछ देवियों की मूर्तियाँ रखी गई है। इस साइड आगे जाएंगे तो बड़ा सा अपना बजरंग बली है, जो अपने नीचे से देख रहे थे ना वही है ऊपर में। बहुत अच्छी जगह है, अगर आप माँ महामाया मंदिर रतनपुर घूमने के लिए आते हैं तो लक्ष्मी देवी मंदिर भी घूमने जरूर आइएगा। बहुत अच्छी जगह है, लगभग आपको 250 सीढ़ी चढ़कर ऊपर आना है और इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, ऊपर में बजरंग बली बना हुआ है। हाँ तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि लेट हो गया, मुझे घर भी निकलना है। चलिए दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।